नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 श्री शेवाय नम रीम श्री विश्व शांति कराय श्री विश्वशातिक देवाय नमः ओम रीम विश्व कराय श्री नमः नम रीम प्रयाग तीर्थ वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्त ओम प्रयाग तीर्थ प्राप्त मग्न श्रीषभ देवाय नम मग्न श्री ऋषभ देवाय नम ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तीर्थंकर्यो नम ओम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ्यो नम चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध स्वामी सिद्ध परमेशचार्य परमेश शांति सागराचार्यमेश ने नमा भव्यात्म हम और आप सभी प्रातःकालीन मंगल बेला में भावों से विपलाचर पर्वत पर विराजमान सोमवसरण में विराजमान भगवान महावीर और उनके प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी उनके मुख से निकली वाणी उसमें चलेंगे भावों से हम और आप सभी भगवान के समस्ण में हैं, क्योंकि आप ध्यान में रखें श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर के समवसरण से अलग ही नहीं हुए वो भगवान महावीर स्वामी के समवस्रण में प्रथम ग्रधर हुए अनंतर जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है पावापुर से उसी दिन श्री गौतम स्वामी को सायंकाल में केवल ज्ञान हुआ है इसलिए तीस वर्ष तक उनके चरणशाली में रहने वाले उनके मुख से जो वाणी निकली है वो भगवान के समोसरण में ही उनके मुख से निकली है इस बात को हमें और आपको दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ श्रद्धान के साथ उनकी वाणी को सुनना है वो क्या कहते हैं सुने देखें आप सुदम में आओ संतो ईखल खल समणे न भयोदा महाजी महावीरें न महाकस्वे न स्वर्णना स्वलोक दर्शिना सदेवा सुरमानस्य सस्य लोगस्य गधि गदि चौणो बादम बद्भ मुखम वो कहते हैं कि हे आयुष मन मैंने सुना है हे आयुष मन मैंने सुना है क्या सुना है और किससे सुना है तो आगे कहा है उन्होंने सम्मम धम्मम उपदेश दानी भगवदा ने महावीरेन। भगवान महावीर ने जो कि सबम समम जानता प्रसन्नता विहार माणे न जो वर्तमान में सभी कुछ देखते हुए जानते हुए और विहार कर रहे हैं अर्थात जिनका श्री विहार हो रहा है जो विद्वान है ऐसे भगवान महावीर के मुख से मैंने सुना है उनकी दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है हे आयुष्मत तो मैंने सुना है भगवान महावीर महाति महावीर जो भगवान तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं सर्वदर्शी हैं और देव असुर मानुष आदि की सहित इस सारे लोग को सारे संसार को जानने वाले देखने वाले एक समय में जान रहे देख रहे हैं ऐसे भगवान महावीर से मैंने सुना है सुदम में संत आगदी गति बादम जीवों की आगति गति चमन उत्पाद आदि मैंने सुना है उनके मुख से अब जीवों की आगति और आगति क्या है मैं संक्षेप में ही सार रूप में आपको ले चलूँ हमारी और आपकी सभी संसारी प्राणियों की आगति और गति क्योंकि सिद्धों की संसार में जीव दो प्रकार के हैं ना संसारी और मुक्त संसारणों मुक्ताश्च तो मुक्त जीवों की तो आ गति गति है नहीं उनका गमनागमन है नहीं केवल संसारी जीवों का ही आगमन और गम गमन होता है आना जाना आना जाना ये किनका है हम और आप संसारी जीवों का ही है चतुर्गति के प्राणियों का ही है तो गति चार हैं आप ध्यान में रखें नरक गति तिरंज गति मनुष्य गति और देवगति इन चार गतियों में आगमन और गमन हो रहा है तो आप ध्यान में रखें मैं संक्षेप में सार रूप में आपको ले चलूं आगति, आना और जाना मनुष्य गति चार हैं कहाँ से आता है और कहाँ जाता है देखिए ये नियम है कि नरक गति के जीव नियम से नरक से निकल करके त्रियंज और मनुष्य ही होंगे पंचेंद्रीय तिरियंज और मनुष्य चाहे चिरंज हो जाए चाहे मनुष्य हो जाए नरक गति से निकल कर न देव हो सकते हैं न वापस नरक जा सकते हैं नरक से निकल कर तत्काल उसी भाव से नरक में नहीं जा सकते एक भव आदि लेकर ही जाएंगे अगर जाना है नरक तो, तो नरक से निकल करके कोई द्वही गति प्राप्त करता है आगमन उसका द्वही गति में होता है तिरंज गति में अथवा मनुष्य गति में तिरंत गति से निकल करके कोई प्राणी आया है योनि से आया है वो चारों गति में जा सकता है तिरंत के लिए चारों गति खुली है नरक भी जा सकता है वापस तिरंज भी हो सकता है पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य भी हो सकता है और देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है तिरंज अधिकतम तिरंज सोलहवें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं तिरंत प्राणी चारों गति उनके लिए खुली हैं अब मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए चारों गति तो खुली है ही है मनुष्य चाहे तो नरक चला जाए चाहे तिरंत गति में चला जाए एक इंद्रित दो इंद्रिय तीन इंद्र आदि किसी पर्याय में चला जाए सब पर्याय उसके लिए खुली हैं मनुष्य हो जाए देव पर्याय को प्राप्त कर ले देवों में मनुष्य सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं जाते हैं पांचों पांडवों में तीन पांडव युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तीनों तो मोक्ष गए हैं और नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए हैं और अभी मोक्ष नहीं गए तो ऐसे जो है मनुष्यों के लिए सभी गति खुली है पुरुषार्थ करके मोक्ष प्राप्त करना भी खुला है मनुष्यों के लिए सब गति खुली है सब द्वार खुले हैं कोई बंद नहीं है संसार ये पंचम काल में थोड़ा बंदिश है ध्यान रखें पंचम काल में चारों गति तो खुली है लेकिन मोक्ष गति सिद्ध गति नहीं है अभी इस पंचम काल के मनुष्यों के लिए यहाँ भरत क्षेत्र क्षेत्र के पंचम काल के लिए चतुर्थ काल में थी ही थी और आज 160 जो विदेश क्षेत्र हैं वहाँ से मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं पता नहीं अभी किसी को मोक्ष हो रहा हो तो वहाँ तो सब जगह खुली हुई है मनुष्य चाहे तो एक इंद्रिय में चला जाए चाहे निगोद में चला जाए चाहे तो दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्रिय जो चाहे सो हो जाए और नहीं चाहते हुए भी अगर पाप करता है तो हो सकता है नहीं चाहते हुए भी कोई नरक जाना नहीं चाहता है लेकिन पाप क्या है नरक नरक आयु बंद गए राजा श्रेणी क्या चाहते थे कि हम नरक जाएं? नहीं चाहते थे लेकिन मुनि के गले में सर्व का डालना नरक आयु को बंद हो जाना आज नरक चले गए? तो बात यह है कि नहीं चाहते हुए भी तीरंज गति गति आदि हो जाती है और चाहते हुए भी मनुष्य गति देवगति नहीं हो पाती है तो यह सब पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है पुण्य और पाप के अनुसार ही गति आगति होती है और देवों के लिए ध्यान में रखें दो गति हैं या तो मरकर के देवगति से च्युत होकर के मनुष्य होंगे या पंचेंद्री त्रिजंज और कदाचित क्वचित दो सौधनवादी स्वर्ग तक के देव मरकर के एक इंद्री भी हो सकते हैं एक इंद्री सावर योनि में जा सकते हैं पृथ्वी दल वायु और वनस्पति ऐसा देव योनि से भी दो मनुष्य और तिरंत में पंचेंद्रीय तिरंज होना अथवा एक भी हो सकते हैं तो ये सब जो है गति और आगति का संसार में चार गति हैं आना और जाना अनाधिकार से चला आ रहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः जन्म और मरण जन्म और मरण इसके लिए हमें और आपको आज आचार्यों ने इसीलिए जो कुछ भी उपदेश दिया है धर्म का मग्गो मग फलमती है दुहम जैन शासन खादम मार्ग और मार्ग का फल दो ही चीजें जैन शासन में विशेष रूप से हैं मार्ग और मार्ग का फल मार्ग क्या है मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ये मार्ग है हमेशा ध्यान रखना समय आप पढ़ते हैं ना समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ये मार्ग है एक संसार मार्ग एक मोक्ष मार्ग ये मार्ग है और मार्ग का फल मोक्ष मार्ग का फल क्या है निर्वाण सिद्ध पद की प्राप्ति आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना लेना ये फल है उसका तो संसार में गति और आगति आदि की इन सब चीज़ों को इन सब बातों को इन सब को गति गति आदि को अनंत प्राणियों की अनंत अनंत प्राणियों की अनंत अनंत जीवों की अनंत अनंत भूत पर्याय अतीत पर्याय और अनंत अनंत आगे होने वाली अनागत पर्याय सब सर्वज्ञ भगवान के महावीर स्वामी के ज्ञान में एक समय में जो कि तो झलक रही है जो कि त्यों दिख रही है यह है सर्वज्ञ का अस्तित्व इसे जो स्वीकार करते हैं वही सम्यक दृष्टि है यह सर्वाणी चरा चराणी विधिवत द्रव्याणी तेजाम गुणान पर्यान भूत भावी भविता सदा सर्वदा एक विद्वान बहुत बड़े विद्वान अपने बहन और वो कहने लग गए हम अतीत पर्याय, अतीत जो अभी हुई ही नहीं है वो भगवान के ज्ञान में झलकती है हम नहीं मानेंगे हमने कहा अरे आप गौतम स्वामी के वचनों में वीर भक्ति में देखें श्लोक क्या है यह सर्वाणी चरा चराणी विधिवत द्रव्याण तेषा गुणान पर्यायान विभूत भावी भवता सर्वान् सदा सर्वदा ज्ञानी तय युगपत प्रशिक्षण सर्वगी जो एक साथ युगपत सभी भूत भावी वर्तमान पर्यायों को अनंत जीवों की सभी पर्यायों को जान लेते हैं, देख लेते हैं वही सर्वज्ञ कहलाते हैं उन्हीं का ज्ञान दिव्य कहलाता है अन्यथा दिव्यम का परुवंती अन्यथा उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान कैसे कहेंगे ये विषय प्रवचन सार में श्री कुंदकुन देव ने बहुत स्पष्ट किया है और गौतम स्वामी की वाणी में तो स्पष्ट है ही है भव्यात्माओं हमें और आपको भगवान के वचनों पर भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर श्रद्धान करना है विश्वास करना है और ये मानना है कि अनंता अनंत भूत पर्याय जो समाप्त हो चुकी है और भविष्य पर्याय जो नहीं हुई है वो सब भगवान के ज्ञान में जो कि क्यों झलक रही है दर्पण के समान झलक रही यही विश्वास यही श्रद्धां ही हमारा और आपका सम्यक दर्शन है इस श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है जो नहीं हुई है उसको भी जान लेना देख लेना यही तो दिव्य केवल ज्ञान की महिमा सर्वज्ञ देव की महिमा भगवान महावीर स्वामी की महिमा जान हीते युगप प्रशिक्षण मत सर्वज्ञी तुच्चते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मय न ऐसे सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी को श्री गौतम स्वामी ने नमस्कार किया है वीरभक्ति में तो भव्यात्मा बात यही है कि हम और आप हमारी और आप के अनंत अनंत पर्याय जो हो चुकी हैं और आगे की तो अनंत पर्याय अब नहीं हम मानेंगे क्योंकि हम और आप सम्यक दृष्टि हैं तो गौतम स्वामी के शब्दों में उत्कर्ष ने दो तीन भाव गए नानी जहान सत्तर भाव नानी उत्कृष्ट से हम और आप अधिकतम दो तीन भाव और कम से ज़्यादा ज़्यादा लेंगे तो सात आठ नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ये दृढ़ सिद्धांत भी हमें और आपको होना ही चाहिए कि हम निश्चित ही भव्य हैं सम्यक दृष्टि है दृढ़ विश्वास है हमें भगवान की वाणी पर और हम निश्चित ही अब संसार का अंत करेंगे अब हमारी अनंत पर्याय बाकी नहीं है अनंत अनंत पर्याय हो गई तो हो गई अब बाकी नहीं है अब कुछ ही भाव बाकी है यह सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है बात यही है कि भगवंतों की वाणी पर श्रद्धान करके आज हम और आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें और सम्यक ज्ञान की वृद्धि के लिए नित नित्यप्रत स्वाध्याय का नियम करें मैं तो कहूँगी हर व्यक्ति को जैन जो है हर व्यक्ति को यह नियम होना चाहिए कि हम आज जितने भी जैन बांग में जैन शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें से कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ेंगे किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करेंगे आदि पुराण महापुराण उत्तर पुराण कोई भी पुराण हरिवंश पुराण रत्नक्रंथ सावकाचार मूलाचार कोई भी गौतम गणधर की वाणी नियम सार सार आदि कुंद, कुंद देव की वाणी सार आदि कुंद देव की वाणी जो भी है हमें और आपको चारों अनियोगों में से कोई ना कोई ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए स्वाध्याय से ही स्वाध्याय का अर्थ क्या है स्व मैंने अपना अध्ययन इसी का नाम स्वाध्याय स्वाध्याय से हमारा ज्ञान वृद्धिंगत होगा और यही ज्ञान आज का यह ज्ञान आज का ये अल्प ज्ञान श्रुत ज्ञान एक न एक दिन हमारा केवल ज्ञान बनेगा यह आज का श्रुत ज्ञान ये केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है केवल ज्ञान के लिए बीज है यह समीचीन ज्ञान समय ज्ञान भगवान की वाणी का ज्ञान ये ज्ञान सुदम में औसंतो हे आयुष्मान तो मैंने सुना है हे गौतम गणधर की वाणी और उनका ज्ञान उसका ज्ञान ये ज्ञान हमारा केवल ज्ञान के लिए बीज है यही ज्ञान केवल ज्ञान रूप से एक दिन परिणत होगा इसी भावना के साथ हम और आप भगवान महावीर के वचनों पर दृढ़ विश्वास करते हुए गौतम स्वामी के वचनों पर दृढ़ विश्वास करते हुए क्योंकि भगवान महावीर की साक्षात वाणी जिन्होंने सुनी है और हमें और आपको आज दिया है आज हमारा और आपका भाग्य है जो चैत्य भक्ति और प्रतिकुण आदि के रूप में गौतम गणधर की वाणी हमारे सामने उपलब्ध है कुंद, कुंद देव की वाणी आदि उपलब्ध है ये सब परंपरा से भगवान महावीर की वाणी और गौतम गणधर की वाणी तो साक्षात भगवान के समोसरण की वाणी है ऐसा विश्वास करते हुए उसका स्वाध्याय अध्ययन मनन आदि करते हुए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में लगे रहें ये प्रातःकालीन मंगल मेला में जो आपने अभिषेक किया ये पुरुषार्थ है ग्रहशास्त्र का पुरुषार्थ है और उसका कोई कह देते हैं साधु जन अभिषेक क्यों देखते हैं कहाँ लिखा है अरे शास्त्र में लिखा हुआ है अनगार धन मूलाचार आदि में लिखा हुआ है कि अभिषेक के समय चार भक्ति पढ़ने का विधान है और हम हमेशा पढ़ते हैं चार भक्ति पढ़ने का विधान है सिद्ध भक्ति चैत भक्ति पंचगुर भक्ति शांति भक्ति चार भक्ति पढ़ के अभिषेक वंदना करना अभिषेक देखने का आचार्य परंपरा में आचार्य शांसाहाल महाराज ने बिना अभिषेक देखे कभी आहार नहीं लिया आचार्य वीर साल महाराज ने कभी बिना अभिषेक देखे बगैर आहार नहीं लिया और उसी परंपरा में मैंने आज उन उनहत्तरवां वर्ष चल रहा है घर छोड़ने के बाद संन बावन से आज तक बिना भगवान का अभिषेक देखे बिना दर्शन किए आज तक आहार नहीं ग्रहण किया है ये परंपरा सांसार जी महाराज के संघ की परंपरा चली आ रही है और उसी का निर्वहन हमारे आचार्य कर रहे हैं यह हमें गौरव है प्रसन्नता है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप गौतम स्वामी के वचनों पर विश्वास करते हुए भगवंतों की अपने आचार्य संसार महाराज पर उनकी परंपरा पर विश्वास करते हुए उनकी वाणी पर विश्वास करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें गृहस्थाश्रम में रहने वाले गृह पर अपने मानव जीवन को सार्थक करें यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद